ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको याद है। तो सबसे पहले बात है, देखो समूह आप लोग पहले ही बना था, सभी का समूह बना था आप लोगों का, तो आप लोग ये जान पाए कि समूह बनाया क्यों जाता है, कि कोई एक लोग खड़े होकर बताओ समूह क्यों बनाया। आपका खाता समूह का खुला है, खाता तो आप सबका पहले से ही है कहीं ना कहीं, और बचत करने की बात रही तो बचत भी हर कोई करता है, फिर समूह क्यों बनाया गया, SSC क्यों बनाई गई, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये अभी समूह बनाया गया, फिर BO बनाया गया और वहाँ अगला छत्ता में CLF भी बना हुआ है, तो ये सब क्यों बनाए जा रहे हैं। समूह में 10 महिलाएं भी होनी चाहिए ठीक, और एक BO में भी बहुत सारे कई सारे 5 समूह मिनिमम होंगे और 20 समूह तक जुड़ के एक BO बन जाता है और बड़ा संगठन हो गया। और CLF, उसके बाद GLF भी आता है, ब्लॉक लेवल फेडरेशन, तो ये सब बड़े बड़े संगठन बनाए क्यों जाते हैं। सबसे पहले समूह क्यों बनाया गया, ये क्वेश्चन बात है दिमाग में ना, ये तो सब जानते हो आप लोगों की नहीं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि टाइम नहीं है, आप लोग सब जानकार हो, बस चीज़ें वही होता है, देखो सबको सब कुछ आता है, बस थोड़ा जागरूक करने की जरूरत होती है। देखो आप सब जानते हो कि एक अकेला बचपन में आप सब बच्चों को बताते हो कि एक लकड़ी हो उसको हर कोई तोड़ देता है, और उसी लकड़ी के 20 पीस बना के एक बंडल बना दिया जाए, 10 लकड़ी को एक पास बना के एक बंडल बना दो, उसको तोड़ना मुश्किल है ना, नहीं तोड़ पाओगे। तो एकता में क्या है, शक्ति है, ये सब लोग जानते हो कि एक शिकारी था पिंजड़े में कबूतर फांस लेता है, और वही अगर 100,000 कबूतर पिछड़े फंस जाए और एक साथ ताकत लगाएं तो पिट्ठू पूरा जाल उड़ जाएगा, उड़ जाएंगे ना सच जाएंगे। तो देखो मैं ज़्यादा कुछ बातें ना बताते हुए सीधे आता हूँ कि टॉपिक पे एनआरएलएम है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों को समूह में महिलाएं क्यों जोड़ा ठीक, और उसका क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आपका नारी सशक्तिकरण को कैसे आगे बढ़ाए ठीक, ध्यान सुनना। देखो 2013 से पहले समूह चलते थे, समूह तो पहले से ही चलते थे, आपका घर है घर भी समूह है, कई सारे लोग हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो समूह हो गया है ना, एक गांव में कई सारे घर हैं, एक ग्राम पंचायत में कई सारे गांव हैं, एक ब्लॉक में कई सारे ग्राम पंचायतें हैं, एक जिले में कई सारे ब्लॉक हैं, एक स्टेट में एक राज्य में बहुत सारे जिले हैं और बहुत सारे राज्य और कई सारे देश में दुनिया बन गई है। तो कहीं ना कहीं देखो एक इंसान को जोड़ के कई सारे लोग जुड़ जुड़ के धीरे धीरे पूरी दुनिया बन गई, ऐसे ही समूह का कंसेप्ट है, एक इंडिविजुअल हिंदी को जोड़ते हुए धीरे धीरे बड़े बड़े संगठन बनाए जा रहे हैं। अच्छा मैं बता रहा हूँ कि 2013 से पहले स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना करके SGSY स्कीम चलती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें सब पुरुष थे, मतलब पुरुषों के लिए दोनों थे, लेकिन वर्चस्व पुरुष था, महिला बहुत ही यंग थी ठीक है, और इतना बुरी बात समाज था कि महिलाओं को तो निकलने नहीं देते थे, और एक तो बुरी भी उनको देने तक हमारा खर्चा कितना आ गया नहीं ठीक है, तो पुरुषों के समूह थे, सरकार उसमें सब्सिडी देती थी, जैसे मानो ट्रैक्टर 5 लाख का खरीदो उसमें 2-3 लाख रुपये सरकार छोड़ देती थी, सब्सिडी दे देती थी, कि ऐसा प्रोविजन था। तो सरकार ने ये देखा चलते चलते 2-4 साल में जब उसका समीक्षा किया, आप लोगों को आवाज आ रही ना, वैसे तेज हमारी आवाज है सुनाई पड़ रहा होगा ठीक है, बच्चों को चुप करा। तो सरकार ने जब समीक्षा किया तो उसने देखा कि हम इतना सारा पैसा दे रहे हैं, लेकिन आज हमारा जो लाभार्थी है परिवार है उनका जीवन स्तर जो है आर्थिक रूप से बढ़ नहीं पा रहा है, पता चला कि रुपये डाला गया 6 लाख रुपये गया 5 लाख रुपये गया, पुरुष के पास गया उसने अपना वो ऑटोनोमस था, पुरुष प्रधान परिवार का वो अपना जो है, पता चला कि घर में वो जुआ खेल रहा है या कहीं शराब पी के आए, घर में भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, तो सही जगह पैसा जितना सरकार की उम्मीद थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब गड़बड़ते ऐसा नहीं है, ये मत मतलब कि हमारे साथ पुरुष खराब ही है ऐसा भी नहीं है,
और अच्छे भी लोग हैं, लेकिन मतलब जो गवर्नमेंट का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, देखो आपका घर का मालिक पुरुष होता था, राशन कार्ड पे पुरुष राशन कार्ड पे सबसे क्या बोलते हैं पहला मेंबर कौन होता था, जो राशन कार्ड पुरुष होता था। तो सरकार ने एक चीज देखा और बैंक से लोन कराता था तो पता चला 5-5 साल हो गए वो लोन वो पुरुष वापस नहीं कर रहे हैं, और जब बैंक वाले लेने गए तो पता चला उनके घर में कुछ है ही नहीं ऐसा जो पैसा वहाँ से वापस किया जाए, रिकवर किया जाए, वो सब जुआ खेल के शराब पी पी के खा गए। ठीक है, तो मतलब अगर पुरुष ही सब कुछ करता रहता थे, वो पैसे को जहाँ लगा रहे कोई महिला से ना पूछताछ करते थे ना कुछ, तो ना बच्चों की एजुकेशन पे सही खर्चा हो पा रहा था, तो गवर्नमेंट की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इस स्कीम को पूरा चेंज करके सरकार ने NRLM कर दिया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसको बोलते हैं, और इसमें और जो ये पूरे इंडिया का है और अपनी स्टेट में है UPSRLM उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन करके। ठीक है, तो उसमें सरकार ने सोचा कि हम पुरुषों को समूह बना रहे हैं, अगर यही हम महिला के समूह बना दें तो एक महिला अपने मायके भी जाती है, एक और ससुराल में भी रहती है, और घर की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी महिला पर रहती है। अगर उसको हम पुरुषों को अगर हम सशक्ति कर दें, उसको हम बैंकिंग से जोड़ दें, तो वो महिला सरकार की ये सरकार की ये समझ है कि अगर महिला को 1000 रुपये दे दें, सरकार का ये मानना है कि अगर हम किसी महिला को 1000 रुपये दे रहे हैं तो वो अपने घर के खर्चों अपने घर के काम के लिए पैसा खर्च करेगी। ठीक है, और वो प्रोग्रेस करेगी तो एक परिवार नहीं उसका मायका ससुराल दो परिवार तो शिक्षित होंगे ही, दो परिवार तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, और महिला को हम लोन दे रहे हैं तो वो महिला नमक रोटी खा जाएगी लेकिन दूसरा परिवार खाएगी वापस कर देगी ज्यादा। चलो दूर खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, दूर खड़ा रहे हो बाबा, सुनो ध्यान से सुनो। तो सरकार का ये मानना है कि अगर महिलाओं को लोन भी देंगे बैंक से तो वो महिलाएं अपना काम वो पैसा सही जगह लगाएंगी, आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो पैसा सही जगह लगाएंगी ताकि अपने परिवार का जीवन सही हो, अपने बच्चों को अच्छी जगह शिक्षा दें, और जो सुविधाएं उनको नहीं मिली है वो अपनी बेटी बेटियों को अपने परिवार को दें, और वो पैसा जो सरकार वापस कर देगी, इतना समय से नहीं वापस करते थे वो, पता चला गलत जगह शराब पी गए, दिमाग का खेल में आराम सारा पैसा चला गया। अच्छा बताओ शराब पीने में कोई लिमिट है ही, इतना पैसा खत्म हो जाता है, शराब पी के पैसा बर्बादी, ऊपर से घर में आए वहाँ लड़ाई, हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा सब नुकसान ही है। ठीक है, तो देखो इसीलिए देखो महिलाओं के समूह बनाए गए, सरकार ये जानती है कि महिला हमारी ज्यादा वफादार है, अगर उसको पैसा देंगे तो वो अपना पैसा सही जगह लगाएगी, अपने घर पे वो खुद खाना बादन खाती, पहले अपने परिवार के सदस्यों को खिलाती है, समझ रहे हैं, तो वो पैसा अपने घर के लोगों पे खर्च करेगी ताकि घर का स्तर जीवन स्तर अच्छा हो। अब बताओ जैसे पैसा आया पुरुष अगर पैसा नहीं दे रहा तो महिला चाह के भी बच्चों कैसे पढ़ाएगी, और अगर माँ के पास पैसा हो तो अपने बच्चों की पढ़ाएगी या सही जगह लगाएगी। ठीक है, तो देखो NRLM जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है वो ये है कि ग्रामीण एरिया में रूरल एरिया में पॉवर्टी कैसे रिडक्शन हो, कि गाँव में जो गाँव हमारा भारत देश भारत क्या है गाँव का देश है, जहाँ ज्यादातर पॉपुलेशन ज्यादातर जनसंख्या गाँव में रहती है। ठीक है, तो भारत सरकार का ये सपना है या कह सकते हो ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ये सोच है कि हमारे जो गाँव में लोगों का जीवन स्तर है वो आर्थिक रूप से की जो बीमारी है वो कम है। ठीक है, उनका जीवन स्तर आर्थिक रूप से मजबूत जोड़ा, इसीलिए समूह चलाए गए महिलाओं के। ठीक है, समझ गए, अब वो पंचसूत्र और सबको सबको हमको विधि बताई है। सबसे पहला काम है समूह की बैठक हमेशा करते रहो, देखो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि बैठक करके आपको रुपए जमा कर दिया, सिर्फ
हर वीडियो बन रहा है। बनाएंगे